आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहता हूं कि वफा यूब साहब जो हैं, वो इनको आप देख रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन पर्सनालिटी दिखती, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं वो कॉमन नहीं है। वो बहुत तारीफ के लायक है। अभी हाल में इनको पीजीआई चक्रपानपुर में स्पेशली इनके लिए ही एक प्रोग्राम वहाँ पे किया गया और इनको वहाँ पे सम्मानित किया गया। और ये जो सोशल वर्क में जो काम कर रहे हैं, जितने भी लोग गरीब गुरबा हैं, जिनको बीमारियों की प्रॉब्लम है, वहाँ पर ले जाना और ये अपने कॉन्टैक्ट और अपने खुलूस और अपने रिलेशन से वहाँ पे लोगों का मुफ्त इलाज भी लगभग करा देते हैं। तो ये बहुत तारीफ है, इसलिए मैं उनको यहाँ सम्मानित करना चाहता हूँ। फिर सुनाने के लिए मत कहिए। नहीं मैं नहीं, आप नहीं सुनाएंगे, आइए। ये ओके साहब तशरीफ ले आए हैं और ओके साहब के कहने पर अब्दुल्ला साहब को कोटला से कुछ लोग आए हुए हैं, बहुत जगह से लोग आए हुए हैं, और हमारे सालिम साहब बैठे हुए हैं, अबू बकर साहब बैठे हुए हैं, उनके मामा बैठे हुए हैं, सबके निगरानी में मैं इसे पहना रहा हूँ। आप ऐसा है सुनाइए। अरे सुनाइए, क्यों? आइए, मेरी बारी आएगी, मैं सुना दूंगा सर। एक बात सुनिए, एक जोक है ये। हाँ नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, एक जोक था कि दो शायर थे, कहीं एक साहब भागे चले जा रहे थे, उनके कपड़े बड़े फटे हुए थे, उनके पीछे एक साहब दौड़ रहे थे। तो लोगों ने कहा, क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो? कहें साहब, ये मुझे सुबह से अपनी शायरी सुना रहा था, जब मेरी बाई है तो कंबख्त उठ के चल दिया, मैं इसकी जान मारू सदर महसूस मुमताज इस्लाही साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। मुमताज साहब एक शायर भी हैं और नक्काद भी हैं, और खुशी की बात यह है कि आमारगी नहीं है, रोजी रोटी से जुड़े भी हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता था कि ये हो, लेकिन अब्दुल्ला भाई बैठे हुए हैं तो मैं उनके हुजूर में, और आप सभी लोग हैं, मैं तंज मजाक का शायर हूं, जिसको जहां रहना चाहिए वो वहां नहीं है, जिसको जहां रहना चाहिए वो वहां नहीं है, कि धतूरे गुलिस्ता में मिलने लगे हैं, धतूरे गुलिस्ता में मिलने लगे हैं, गुलाब आज घूरे पे खिलने लगे हैं, धतूरे गुलिस्ता में मिलने लगे हैं, गुलाब आज घूरे पे खिलने लगे हैं। और बुढ़ापे का तस्करा किया। अब्दुल्ला भाई की नज़में बहुत अच्छी हैं, चापलूसी से मैं बहुत दूर रहता हूं, लेकिन उनकी शायरी ये कहती है कि जो बचपन में उन्होंने लिखा है उस पे दादो तहसीन से नवाजा जाए। मुमताज मेरे बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा यहाँ खामोश रहने की जरूरत नहीं है। तो धतूरे गुलिस्ता में मिलने लगे हैं, गुलाब आज घूरे पे खिलने लगे हैं, और कभी तोड़ देते थे जो पत्थरों को, वही दांत केले से हिलने लगे हैं। कभी तोड़ देते थे जो पत्थरों को, वही दांत केले से हिलने लगे हैं। और एक मतला एक शेर हिंदी उर्दू बालक का इस्तेमाल आदिल ने किया, आपने किया, बहुत से उर्दू के शायर हैं जो बालक का इस्तेमाल करते हैं। और उर्दू एक ऐसी जबान है कि हिंदी बेटी है उर्दू, हिंदी माँ है उर्दू बेटी है, और बेटी को पूरा हक है कि माँ की हर चीज को इस्तेमाल करे। मैंने कुछ कहने की कोशिश की है कि बड़ा हसीन है वातावरण, चले आओ, बड़ा हसीन है वातावरण, चले आओ, है जिंदगी का ये अंतिम चरण, चले आओ, नहीं हो तुम तो तन्हाइयां न जाने क्यों, ये कर रही है मेरा अपहरण, चले आओ, बड़ा हसीन है वातावरण, चले आओ, और कहीं न पाओगे। अब्दुल्ला भाई तवज्जो चाहूंगा मुमताज साहब कि कहीं न पाओगे स्थान ऐसा दुनिया में, मैं दूंगा खाने दिल में शरण, चले आओ, बड़ा हसीन है वातावरण, चले आओ,
है जिंदगी का ये अंतिम चरण, चले आओ हर एक क्षण, ये हकीकत है ऐ मेरे हमदम। ओके साहब, हर एक क्षण ये हकीकत है ऐ मेरे हमदम, मैं कर रहा हूं तुम्हें स्मरण, चले आओ बड़ा हसीन है वातावरण, चले आओ। और मक्के का शेर कि निराश बैठा हूं मैं तीरगी के दामन में, वफा उम्मीद की बनकर किरण, चले आओ बड़ा हसीन है वातावरण, चले आओ। शायरी में ईमान हो मैं नहीं करना चाहता था, और उन शायरों में से भी नहीं हूं मैं, तो ऐसे फटीचर आदमी, दौड़ने धूपने वाला आदमी हूं, मगर अब मुझे हक यह है कि कुछ अब्दुल्ला भाई के बारे में बोलूं। और जब कोई अमेरिका से आता है बड़ा लंबा सफर करके, तो मैं उससे कहता हूं कि टोपी तुम्हारी गिर जाएगी, क्योंकि जितना लंबा अमेरिका का सफर है उसी अमेरिका में हमारा एक भाई भी बहुत लंबा है, बहुत तकदावर शख्सियत का मालिक। मैं खुश इसलिए हूं कि पूरे जिले को, ये गांव को नहीं पूरे जिले को और पूरे हिंदुस्तान को रोशन कर रहे हैं। आपने तालीम हासिल की अलीगढ़ में, और आप नासा में रहे, बड़े साइंसदानों में आपका शुमार होता रहा। यही नहीं, उनके अच्छे कारनामों पे लाइफ अवार्ड कई उनको मिले हैं। उर्दू के फरोख के लिए इन्होंने बहुत काम किया। खुशी की बात यह है कि आप साइंसदान भी रहे, आप शायर भी रहे, और आप सामाजिक वर्कर भी रहे। उर्दू जबान के फरोख के लिए इनके अच्छे और बेहतरीन कारनामे हैं, जिनके बिना पर इनको हमेशा याद किया जाएगा। और आज जहां हम बैठे हुए हैं, आपने बताया कि कभी खंडर था, कभी इनका बचपन गुजरा था, वो सारी निशानियां मिट चुकी हैं, लेकिन उन्हीं की बुनियाद पर आज ये इमारतें खड़ी हुई हैं जो अगल बगल आप देख रहे हैं। अहमद मसूद साहब की काविशों और कोशिशों का नतीजा है, और इसको सराहा जाना चाहिए कि आज जैसी बहारें आई हैं, कल इनके बनेंगे अफसाने। दोस्तों, आज तो आप देख रहे हैं, कल इसका ऐसा नहीं रहेगा, और चमकदार और रोशन रहेगा। और मैं एक बात भूल गया था कि अब्दुल्ला भाई कई किताबों के खालिक हैं, जिनमें मंजरे आम पर आने वाली वो किताब रेत की लहरें जो बहुत चर्चे में रही है, इसके लिए हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। और वहां यहां ये तशरीफ लाए, इसके लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं, और इस स्कूल के ऊपर इनकी नजर इनायत बनी रहेगी, इसके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ ही साथ इस स्कूल के तमाम असाज़ा को, तमाम बच्चों को हम मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि हमारे असाज़ा ने हमारे बच्चों को बैठने का, उठने का तरीका सिखाया, जिसे हम सामने देख रहे हैं, और अच्छा तरीका बता रहे हैं, बेहतरीन दर्श दे रहे हैं। इसके लिए हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया।